नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कोमली और थाडम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं कोमली फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कोमली सन 2019 में आई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में जयम रवि, काजल अग्रवाल, संयुक्ता हेगड़े, के एस रवि कुमार, योगी बाबू, शारा, कविता राधेश्याम, प्रवीणा और वरुण नजर आए थे। इस फिल्म को प्रदीप रंगनाथन ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था इशारी के गणेश ने। इस फिल्म को कुल 900 स्क्रीन्स के साथ 15 अगस्त सन 2019 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 24 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 36 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 4 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 27 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.9 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक हिप हॉप तमीजा ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बोनी कपूर ने कोमली फिल्म के हिंदी राइट्स को खरीद लिए हैं और वे इस फिल्म के हिंदी रीमेक बनाने वाले हैं जिसमें अर्जुन कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 2, इस फिल्म के लिए जयम रवि ने अपने 20 किलो वजन बढ़ाए थे। अब जानते हैं थाडम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। थाडम सन 2019 में आई एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में अरुण विजय, विद्या प्रदीप, स्मृति वेंकट, तन्या होप, सानिया अग्रवाल और योगी बाबू नजर आए थे। इस फिल्म को मगीज थिरुमानी ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था इंदर कुमार ने। इस फिल्म को कुल 650 स्क्रीन्स के साथ 1 मार्च सन 2019 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 21 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 8 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ 90 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.2 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अरुण राज ने दिए थे। उसके लिरिक्स अरुण राज, मदन केरके, थिरुमरई और मगीज थिरुमानी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और इसके सभी गाने अच्छे हिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, थाडम फिल्म का रीमेक तेलुगु में भी बनाया गया है जिसका टाइटल रेड है और ये फिल्म सन 2020 में रिलीज होगी। तो वहीं बॉलीवुड में भी इसका रीमेक बनाया जा रहा है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 2, इस फिल्म में अरुण विजय ने डबल रोल निभाया था और ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।